गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार देगा बहुत ही बड़ा धोखा। जी हाँ, क्या है ये धोखा वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। पहले हम यहाँ पर पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो डाउ जोन्स फ्यूचर है, अगर हम यहाँ पर तेज़ी की बात करेंगे तो देख सकते हैं 0.72% से देख सकते हैं यहाँ पर तेज़ी देखने को मिला। वही हम यहाँ पर नैस्डैक की बात करेंगे तो देख सकते हैं 0.43% से हमें क्या देखने को मिला, तेज़ी देखने को मिला। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो मार्केट के अंदर अभी बाइंग तेज़ी से बढ़ रही है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ निफ्टी फिफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी फिफ्टी के चार्ट के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर क्लिक कर लें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस आप लोगों को चैनल के अवार्ड सेक्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे निफ्टी फिफ्टी का चार्ट और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमारा एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है जो कि निफ्टी फिफ्टी के अंदर परफेक्ट तरीके से क्या दे रही है, रिस्पेक्ट दे रही है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है निफ्टी फिफ्टी, यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला है या फिर नहीं देखने को मिला है, चार्ट आप लोगों के सामने है। देख सकते हैं यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है निफ्टी फिफ्टी हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है निफ्टी फिफ्टी के अंदर, तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक से देखना जिन लोगों को इस मार्केट से प्रॉफिट को बनाना है। तो देखिए अब जो निफ्टी फिफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 25,402 का। मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी फिफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा। पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुनना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई बनेगा जब इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 25,460 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना SL को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी और लास्ट कंडीशन यहाँ पर क्या होगी,
गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 3 घंटा तक यानी कि फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखना, अगर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तो आप लोग यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है। अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 25,238 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल के नीचे 30 मिनट तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं जो कि लेवल होगा 25,166 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी और ये लास्ट कंडीशन है, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है और ये जो हाई बनाएगा जब इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 25,343 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 25,402 का और इस लेवल के ऊपर ही इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो अब हम चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है आज के दिन आप लोगों को ट्रेड करने के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। और फ्राइडे के दिन यहाँ पर क्या दिया था, क्लोजिंग दिया था जो कि लेवल है 51,896 का, जो कि लेवल यहाँ पर राउंड फिगर के अंदर 51,900 का है जो कि इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से क्या लिया गया है, रेजिस्टेंस लिया गया है और क्लोजिंग भी फ्राइडे के दिन इसी लेवल के ऊपर दिया है। तो अब मान लीजिए अगर आज के दिन आज के दिन बैंक निफ्टी यहां पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद यहां पर अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर देगी जो कि लेवल है
51,991 का, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 52,076 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, या फिर जब रेंज बनाने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, जो कि लेवल है 51,822 का। अगर इस लेवल को यहाँ पर रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है पुट साइड के तरफ। अब मान लो कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 52,076 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पुट कैसे बाई करना है, यहाँ पर पुट बाई करना है जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा। जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। दूसरा यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई बनेगा, जब इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 52,182 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। लास्ट कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 45 मिनट तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,716 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो आप लोगों को यहां पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहां पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 51,532 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल होगा, जहाँ से हमें बैंक निफ्टी के अंदर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट इस लेवल के नीचे 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। लास्ट कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर 1 घंटा कंसोलिडेट करने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है और यहाँ पर अगर आप लोगों को डब्लू पैटर्न बनता हुआ नज़र आए, जिससे यहाँ पर हम डबल बॉटम भी कहते हैं, जब इसके नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 51,896 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर आज के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है या तो फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और एक रेंज बना करके कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करना है।
इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर कोई भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।